Hey, what's up everybody? How are you? How are you? I have a video here from our friends at Defense Squad. Defense Squad. Very, very good friends. Very, very good videos. This is how to become a Guru Commando Indian Air Force Special Forces. And oh yeah, it's in Hindi for you, my friends. Let's go. Subscribe कीजिए Defense Squad channel को और bell icon को दबाइए latest defense videos सबसे पहले देखने के लिए. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में. हमने अपने पिछले एपिसोड्स में आपको मार्कोस और पैरा कमांडोस को ज्वाइन करने के बारे में बताया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट गरुण कमांडोज के बारे में, जिसमें हम आपको गरुण कमांडोज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. जैसा कि आप सभी को पता होगा, गरुण कमांडोज इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसे 6 फरवरी 2004 में स्थापित किया गया था. मौजूदा समय में इस स्पेशल फोर्स यूनिट में करीब 1100 पर्सनल शामिल हैं, हालांकि इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ सुरक्षा के लिहाज से क्लासिफाइड रखी गई है. गरुण स्पेशल फोर्स का नाम गरुण पक्षी के नाम पर रखा गया है और इनका मोटो है डिफेंस बाय ऑफेंस, यानी प्रहार से सुरक्षा. गरुण स्पेशल फोर्स की स्थापना इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकता के अनुसार एक वर्सेटाइल मिलिट्री कैपेबिलिटी प्रदान करने के इरादे से की गई थी. मौजूदा समय में गरुण कमांडोज को यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए कांगो में तैनात किया गया है. और हम आपको बता दें कि गरुण कमांडोज भारत की सबसे यंगेस्ट स्पेशल फोर्स यूनिट है. तो चलिए बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में. तो हम आपको बता दें कि मार्कोस और पैरा स्पेशल फोर्स की तरह ही गरुण कमांडोज के लिए भी कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है. अगर आप गरुण कमांडोज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी होती है और तभी आप गरुण कमांडोज के सिलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और हम आपको बता दें कि आप गरुण कमांडोज के लिए किसी भी रैंक से अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो कमीशन रैंक हो या नॉन कमीशन. अगर बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो हम आपको बता दें कि अगर आप गरुण कमांडोज के लिए नॉन कमीशन रैंक यानी एयरमैन के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स का होना कंपलसरी है. और अगर आप कमीशन रैंक से अप्लाई करते हैं यानी ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है. गरुण कमांडोज का बेसिक सिलेक्शन दो प्रोसेस के थ्रू होता है और ये प्रोसेस आपके कमीशन पर आधारित होती है. यानी नॉन कमीशन पोस्ट से अप्लाई करने वाले कैडेट्स का सिलेक्शन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से डायरेक्टली एयरमैन सिलेक्शन सेंटर से होता है, और कमीशन पोस्ट से अप्लाई करने वाले कैडेट्स का सिलेक्शन दुंदीगल में स्थित एयरफोर्स अकेडमी से होता है. गरुण कमांडोज के लिए कमीशन पोस्ट से ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स को ही चुना जाता है. गरुण स्पेशल फोर्स के लिए कैंडिडेट्स को रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से चुना जाता है. इसमें पहले 3 महीने की इनिशियल फेज ट्रेनिंग होती है, जिसे प्रोबेशनरी ट्रेनिंग कहते हैं. इस ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को नेक्स्ट फेज की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है. हम आपको बता दें कि इस 3 महीने की इनिशियल फेज ट्रेनिंग का एट्रिशन रेट इतना हाई होता है कि मैक्सिमम कैडेट्स इसमें आउट हो जाते हैं. गरुण कमांडोज की एयरबॉर्न फेस ट्रेनिंग इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर्स के साथ पैरासूट ट्रेनिंग स्कूल PTS आगरा में होती है, और गरुण कमांडोज को इंडियन नेवी के डाइविंग स्कूल और इंडियन आर्मी के काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल यानी CIJWS में भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है. गरुण कमांडोज की फाइनल ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स यूनिट के साथ कराई जाती है, ताकि गरुण कमांडोज को भी स्पेशल ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस मिल सके. अगर आप गरुण कमांडोज के बारे में और भी अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो आप हमारी टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट गरुण स्पेशल फोर्स वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही. अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें. और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. नाइस,
Very nice video. Well done. Well done, my friend. Well done. That was a good video. Make sure you check out his channel, like and subscribe. I'll put a link down here in the in the description so you can find it easily. I'll catch you guys later. Peace and much love. Well, thank you so much for watching. Please like and subscribe to the channel, and please check out our internet radio station, darkskyradio.com. Again, that's darkskyradio.com. We got great talk shows, we play some music. You will be thoroughly entertained. Peace and much love.